हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप जैसे कि देख रहे हैं, मैं हूँ फिलहाल इधर देहरादून में, और ये खड़े हैं कैब भाई अपने। अभी इनके पास आया हूँ मैं, और अभी इन्हें लेके चलते हैं कहीं पे घूमने के लिए। चलो भाई, कैब भाई है? चलो। सो गाइस, आज 4 दिन बाद आज थोड़ी बारिश रुकी है, और आज ही हम घूमने के लिए निकल लिए हैं। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा माहौल है। इधर की साइड चल रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं UPS साइड। यहाँ पे हमें वैसे भी कोई काम था, और देख के आते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ये गाइस नंदा की चौकी से करीब 6 किलोमीटर पड़ता है। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है, और यहाँ पे मतलब थोड़ा ध्यान से आना पड़ता है। बरसात वैसे चल रही है, तो बरसात में रिस्क भी अच्छा खासा होता है भाई पहाड़ों में, आप सबको पता ही है। लेकिन भाई बरसात में ही मज़ा आता है। ये देखो पानी कैसे बह रहा है यहाँ पे, ये देखो भाई। ये इस तरह वाटर क्रॉसिंग होती रहती है, ऊपर से पानी आता है ये पहाड़ों से ऐसे। गाइस अभी आ गए हैं हम यहाँ पे, एक ये है पुल ब्रिज है यहाँ पे, और ये एरिया पूरा जंगल का एरिया है आप जैसे कि देख रहे हैं। और भाई बारिश के मौसम में तो यहाँ का मतलब फील ही अलग है। ये देखो ऐसे ऐसे यहाँ पे हर जगह पानी बहता रहता है। ये देखो गाइस, अभी देखिए आप हम कितनी शांत जगह है। देखो यहाँ पे बस पानी की आवाज़ के अलावा और कोई आवाज़ नहीं है, बिल्कुल शांत एरिया है ये। और बरसात में देखो ऐसे यहाँ पे पेड़ भी गिर जाते हैं। ये देखो जैसे ऊपर से गिर रहा है, और ये छोटी सी नदी चल रही है यहाँ पे। देखो गाइस फील करो, ये देखो गाइस बहुत ही तकड़ा मौसम हो रहा है। और अब यहाँ पे हम नीचे उतर रहे हैं, यहाँ पे एक दो रील्स बनाएंगे। ये लोग आई हम उतर गए, देखो इस देखो पहाड़ों में एक फायदा है, मेरे पैर गंदे हो गए थे तो मैं यहाँ रुक गया और पैर साफ हो गए, ये देखो। सो गाइस अभी हमें सुसाइड पॉइंट से 1.5 किलोमीटर पहले, और देखो ये पूरा जंगल का इलाका आप ये देखो। यहाँ पे ये इसकी जाली से बाउंड्री सी कर रखी है, ताकि आगे ना, शायद ये पहले कोई रेस्टोरेंट होगा यहाँ पे। हाँ वही देखो भाई, पहाड़ों में बरसात में चारों तरफ से बस पानी की आवाज़ आती है, बस पानी पानी। ये देखो अभी मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखो भाई कैप। यहाँ आप पहले भी आए हो? हाँ यार, हैं काफी दिन। अकेले आए हो या कोई साथ आया था? दोस्त लोग थे यार। दोस्त लोग कौन कौन? मेरे भाई जी थे यार। हैं नहीं, कौन कौन थे, क्या आप नाम हैं? अच्छा अच्छा, और कौन था? नहीं नाम बताओ ना यार। साहिल? नहीं सबके नाम बताओ, कौन कौन थे? नहीं यार सबके नहीं हैं। तो गाइस अभी हम चल दिए हैं सुसाइड पॉइंट वाले रास्ते पे। पिछली बार जब आए थे ना, जब बरसात नहीं थी, तो बरसात में यहाँ का जो व्यू होता है वो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त होता है, तो इसलिए हम जा रहे हैं। और आज नीचे रिवर में भी जाएंगे आज। ये देखो गाइस पूरा ऑफ रोडिंग वाला रास्ता है, यहाँ से जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा रिस्क है यहाँ पे। ये देखो
कितना खराब रास्ता है ये देखो, वो तो भाई अपना तो सिस्टम है कहीं भी चल दे। ये देखो भाई गाइस, आप जैसे कि देख रहे हैं हम सुसाइड पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और ये देखो भाई वहां पे नदी में बच्चे नहा रहे हैं। ये देखो गाइस, मन कर तो कर रहा है भाई कि मैं भी वहीं पे जाऊं। क्या भाई चलोगे नीचे ही वहां पे उनके पास है? फोन स्विच ऑफ हो गया यार। अच्छा फोन स्विच ऑफ हो गया भाई। पिछली बार आए थे ना हम, तो स्कूटी नीचे खड़ी कर दी थी, क्योंकि जब हम तीन थे और अजीम भाई के साथ थे उस दिन हम। तो यार देखो यहाँ से नीचे जाने का रास्ता कहीं पे है भाई। देखो गाइस यहाँ का पूरा मंजर, ये देखो हाँ हाँ चल ले वहीं पे है यार। ये देखो गाइस नीचे देखो बहुत सारी भैंस भी हैं भाई। नीचे तो जाना पड़ेगा, चलो फिर नीचे चल ले। चलो गाइस अब नीचे चलते हैं, वहाँ थोड़ी देर रिवर के पास बैठते हैं चल के। गाइस हमें यहाँ पे ये एक अलग तरह का जानवर दिखा है, ये देखो ये देखो गाइस। क्या आपने इसको पहले कभी देखा है कमेंट्स करके जरूर बताएं। स्कूटी यहाँ पे पार्क कर दिए और अब नीचे रिवर में चलते हैं। अभी यहाँ कोई एक रास्ता जाएगा उस पे से चलेंगे। तो गाइस इस रास्ते से जाना है हमें नीचे। ये देखो गाइस रास्ता बहुत ही डरावना सा है, ये देखो गाइस जा रहा है। देखो गाइस बहुत ही डरावना सा रास्ता है, ये देखो। ये क्या भाई हमारे साथ साथ चल रहे हैं, ये देखो गाइस। आप वीडियो में वो चीज फील भी नहीं कर पा रहे होंगे जितना खतरनाक ये रास्ता है ना। ये देखो गाइस कमर दुख रही है, हैं? थक गए क्या नीचे से आते आते? नीचे कैसा है पानी है बहुत बहुत। ओहो गिर गए, कितना पानी है हैं? अच्छा अच्छा ये गाइस सब नीचे से ही आ रहे हैं, ये देखो। तो गाइस अभी पानी की आवाज आनी शुरू हो गई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे मतलब इतनी शांति है यहाँ पे। बस अगर किसी को शांति चाहिए ना तो यह नंदा की चौकी से 12 किलोमीटर ऊपर सुसाइड पॉइंट के नीचे वाली नदी है। यहाँ पे ये पता नहीं कहाँ कहाँ से पानी आता है बरसात में, ये देखो गाइस। ये देखो गाइस ऐसे यहाँ पे गिरता रहता है, मतलब ये ऊपर से गिरा होगा अभी, ये देखो। और हम खड़े थे आगे की साइड, ये भाई यहाँ पे बहुत ही डेंजर मामला। ये देखो पूरी रोड पे पानी चल रहा है यहाँ पे, ऊपर ऐसे आ रहा है, ये देखो। ये भी देख रहा है कि हम क्या कर रहे ये पानी आ रहा, देखो ये पूरी भर के चल रही, और वो नदी है देखो। ओहो पानी भी बहुत ठंडा, लेकिन भाई फील है ऐसी जगह पे, अगर मतलब इस जगह को फील करोगे तो मज़ा आ जाएगा। ओहो अभी हम पता कहाँ थे भाई कैब हैं, अभी हम पता कहाँ थे, अभी दिखाता हूँ मैं। ये यहाँ पे ऊपर तो क्या भाई आप नहाओगे क्या यहाँ? ओहो ये हम यहाँ थे गाइस, अभी जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो अभी हम यहाँ पे खड़े थे जहाँ से कह रहे थे ना कि नीचे जाएंगे, वो हम वहाँ पे खड़े थे।
ये देखो कुछ यहाँ पे नहा भी रहे हैं। तो गाइस फाइनली हम रिवर पे पहुँच चुके हैं। ये देखो ऊपर से कहाँ कहाँ से पानी आ रहा है, ऐसे चल लिए और ये सारा पानी इसमें जा रहा है। देखो देखो गाइज, अभी मैं नदी के बीच में खड़ा हूँ, यहाँ पे बहुत ही मज़ा आ रहा है। ये देखो गाइज, और यहाँ पे वो नहा भी रहे हैं कुछ, और ये शायद किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे गेट लगा हुआ है बाउंड्री करके, और अभी थे हम ये वहाँ पे थे गाइज अभी हम। सो गाइज, हमारी उतरते हुए हालत ख़राब हो गई थी, अब देखते हैं कैसे चढ़ पाते हैं यहाँ से। ये देखो पूरे पानी आ रहा है, ये रास्ता है। ये देखो गाइस व्यू देखो आप। मैं ये कह रहा शायद उधर की साइड साइड ना गांव है कोई, और डेरा डाल रखा है दो मीटर। अच्छा पानी के लिए। अच्छा अच्छा सो गाइस, यहाँ पे चढ़ने में बहुत बुरा हाल हो गया। ये बहुत मुश्किल है, देखो पूरे थक गए भाई चढ़ते चढ़ते। सो गाइस फाइनली चढ़ चुके हैं, और कैब को मैंने स्कूटी लेने भेज दिया है, बहुत बुरी तरह थक गए। देखो सब नीचे ही जा रहे हैं। सो गाइस वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।